दोस्तों, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक इस दुनिया से चले जाने से हर कोई सदमे में है। जो भी लोग सिद्धार्थ शुक्ला को जानते थे उन्हें पता था कि सिद्धार्थ रियल लाइफ में किस तरीके के इंसान हैं। वो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे और हमेशा लोगों के दिलों पर राज किया करते थे। बात करें आसिम रियाज की, तो आसिम रियाज वही शख्स है जिनके साथ बिग बॉस में सिद्धार्थ की सबसे पहली दोस्ती हुई थी। हालांकि बिग बॉस के घर में दोनों का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये रिश्ता काफी दुश्मनी में बदल गया। बिग बॉस के घर में आपने सिद्धार्थ शुक्ला को आसिम रियाज के साथ लड़ाई झगड़ा करते जरूर देखा होगा, लेकिन अब जब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से चले गए हैं तो ऐसे में आसिम रियाज उन पुराने दिनों को भूल नहीं पा रहे हैं। आसिम रियाज को पल पल रह के सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में उनके लिए प्यार छुपा था, क्योंकि दोनों ने बिग बॉस के दौरान एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया था और वो सिद्धार्थ शुक्ला को अपना बड़ा भाई मानते थे। अब जब सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को छोड़ दिया है तो ऐसे में आसिम रियाज की हालत काफी खराब हो गई है। सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर आसिम रियाज सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी कर चुके हैं। बिग बॉस के घर में आसिम ही थे जिनके सिद्धार्थ के साथ सबसे पहली दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों के बीच भले ही लड़ाई झगड़े हुए हों, लेकिन एक्टर के अंतिम सफर में पहुंचे आसिम की आंखों में आंसू छलक पड़े। आसिम की गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना ने उनके बारे में बताया कि उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि उनका दोस्त उनका भाई सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है। एक इंटरव्यू में हिमांशी खुराना ने आसिम रियाज के बारे में बताया है कि सिद्धार्थ के जाने के बाद से सदमे में है आसिम रियाज। आसिम रियाज की हालत काफी खराब बताई जा रही है। उन्हें बार बार रह रहे के सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ रही है, जिसके बारे में वो बार बार बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सपने में सिद्धार्थ को देखा है आसिम रियाज ने। वो अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हैं और बार बार उनके वीडियोस को ही देख रहे हैं। हिमांशी ने आसिम के बारे में बताया कि मेरे मन में हमेशा सिद्धार्थ के लिए काफी रिस्पेक्ट थी। हमने बिग बॉस के घर में काफी अच्छा टाइम भी बिताया है, लेकिन उसके बाद हम सब काम में बिजी हो गए और मिलने का मौका नहीं मिला। जिंदगी हमेशा धोखा देती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। इसके साथ ही आसिम के बारे में भी उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ के जाने के बाद से आसिम रियाज लगातार सदमे में है। वो उनकी पुरानी वीडियोस को देख रहे हैं।